हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कुक विद यश में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ टोमेटो सूप की रेसिपी। ये बिल्कुल आपके फरमाइश पे बन रही है। अगर आपने कभी किसी से किसी सूप का नाम पूछा होगा, उनका सबसे पहले यही जवाब आएगा कि टोमेटो सूप, क्योंकि है जितना ये आसान, टोमेटो सूप बनाने में उतना ही टेस्टी भी लगता है। तो चलिए बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। टोमेटो सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 7 से 8 मीडियम साइज के लाल लाल टमाटर। टमाटर को धो करके हम इसे रफली चॉप कर देंगे। वैसे भी आजकल टमाटर मार्केट में बहुत सस्ते मिल रहे हैं। टमाटर को मैंने 20 से 4 भाग में काट दिया है, यानी रफली चॉप कर दिया है। बस अब इसे साइड रखते हैं और गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में हम 2 छोटे क्यूब्स बटर के डाल देंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। ना पानी डाले हम इसे बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है हमें इसका। ये देखिए, हमारे टमाटर और गाजर का बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। बस अब इसे हमें छन्नी से अच्छे से छान लेना है। हमने जिस कढ़ाई में टमाटर को पकाया है उसी में हम इसे वापस से निकाल लेंगे। पेस्ट हमारा निकल आया है। इसे थोड़ा पतला करने के लिए हमने जो पॉट में पानी बचा के रखा था वो भी इसे छन्नी लगा करके इसमें निकाल लेंगे।
सूप में हम थोड़ा और नमक डाल देंगे जिससे ये स्वाद अनुसार हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। वैसे तो हमारे सूप का कलर काफी अच्छा आ गया है, लेकिन मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ जिससे ये थोड़ी स्पाइसी लगे। टमाटर थोड़े खट्टे होते हैं इसलिए हम इसमें गाजर तो डाले ही हैं, साथ ही साथ इसमें हम 1 टीस्पून चीनी का पाउडर भी डाल देंगे। अब इसे हम धनिया की पत्ती से गार्निश कर लेंगे और इस सूप को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो है ना टोमेटो सूप की रेसिपी कितनी आसान, इसीलिए आपको ये टोमेटो सूप की रेसिपी तो आनी ही चाहिए। कोई सूप नहीं, कम से कम ये सूप तो जरूर आपको आना चाहिए, क्योंकि टोमेटोज तो हर मौसम में इजिली मिल जाते हैं, इसलिए ये टोमेटो सूप की रेसिपी सिर्फ आपके लिए। अगर आप बिगनर हैं या फिर रूम लेके अकेले रहते हैं और कुछ आपको हेल्दी मन कर रहा है पीने का, तो ये सूप भी आप जरूर ट्राई कीजिए। और ये टोमेटो सूप बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे वो भी इस रेसिपी का लुत्फ उठा सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मैंने मनचाउ सूप की भी रेसिपी डाली हुई है, आप उसे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपसे मैं फिर मिलूंगा अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।